हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद धाकर स्वागत करता हूं आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में आए विभक्ति सीरीज़ में। दूसरा है आपका सबसे फेवरेट, सबसे ज़्यादा मतलब जो यूज़ होने वाली विभक्ति, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाली विभक्ति, द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक। कर्म कारक विभक्ति सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी यही है, सबसे ज़्यादा इसके ही नियम हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए हम बारी बारी से इन चीज़ों को समझते हैं, नियमों को समझते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो दिल थाम के और आराम से ध्यान लगा कर समझिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कर्म कारक, अब बेसिकली अगर हमारे माइंड में ये चीज़ क्लिक हो जाए कि ये कर्म कारक होता है क्या, मीन्स कर्म क्या होता है, तो हम आसानी से किसी भी सेंटेंस में द्वितीय विभक्ति को यूज़ करने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैं एक इंग्लिश का एक सेंटेंस ले लेता हूँ, इंग्लिश का एक चीज़ समझते हैं हम। जैसे हम जब भी इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब और देन आपका ऑब्जेक्ट होता है आखिरी में। जो कर्म कारक वो चीज़ होती है जिसको कर्ता मीन्स सब्जेक्ट कर रहा होता है क्रिया के द्वारा, जिसको कर रहा होता है को, तो आपका वैसे भी द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर हमेशा को की बात आएगी, जहाँ पर को आ जाए वो आपका द्वितीय विभक्ति होता है। ये तो बहुत आसानी से बात हम समझते हैं, लेकिन होता है क्या, इसमें द्वितीय विभक्ति में अपनी विभक्ति का ही लोप होता है, मीन्स को होता ही नहीं है, को लिखा नहीं रहता, कुछ कुछ सेंटेंस में लिखा रहता है लेकिन अधिकतर उसमें लोप होता है, लेकिन उसका वो सेंस वो ही बन रहा होता है। तो हम वो चीज़ पर समझेंगे ज़रा। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट मतलब कि मैं कर्ता किताब पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना इज़ अ क्रिया वर्ब, किसको पढ़ रहा हूँ, किताब को, मैं किताब को पढ़ रहा हूँ या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो किताब यहाँ पर जो आपका कहते हैं ना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है मतलब जो हमारा कर्म है वो ही आपका कहलाता है। अधिकतर लोग क्रिया और कर्म में कन्फ्यूज होता है, क्रिया मीन्स किसी चीज़ को करना जिससे कोई चीज़ हो रही हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ किसको, किताब को, तो पढ़ना इज़ अ क्रिया और क्या पढ़ रहा हूँ, किताब, तो किताब इज़ कर्म, हमारा कर्म क्या है, किताब, ना कि हम कर्म तो हमारा जो चीज़ कर रहे होते हैं तो पढ़ना हमारा कर्म, ना भैया आपका कर्म है यहाँ पर किताब, मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट है, पढ़ना क्रिया है और कर्म जो आपका है वो क्या है, आपका वो है किताब। तो जैसे ध्यान से देखिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पर राम पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पर विभक्ति का लोप है, विभक्ति का क्या है, लोप, तो लोप मतलब गायब है, लेकिन आप देखेंगे तो राम पुस्तक को पढ़ता है ही इसका वो मीनिंग बनेगा, राम पुस्तक को पढ़ता है, तो इसका मतलब द्वितीय विभक्ति किस में लगेगी, पुस्तक में लगेगी, किस में लगेगी, पुस्तक में, तो राम में कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्यों लगती है, तो पुस्तक, तो हो जाएगा पुस्तकम, रामः पुस्तकम, और पढ़ता है, तो पढ़ता है आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, लट लकार है, तो पढ़ती, राम है पुस्तकम पढ़ती, तो पुस्तकम इज अ द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, समझ में आ गया होगा। सेकंड पे बढ़ेंगे, श्याम गांव गया, श्याम गांव को गया, तो यहाँ पर जो को है इसका क्या हो गया था, लोप हो गया था, क्या हो गया था इसका, लोप, तो श्याम गांव गया, बट सेंस क्या बन रहा है, श्याम गांव को गया, तो गांव जो है आपका इसमें क्या लगेगा, द्वितीय व्यक्ति, तो श्यामः ग्रामम अगच्छत, अब चूंकि यहाँ पर आ है तो ये आपका लंग लकार है, इसलिए यहाँ पर ये लंग लकार के हिसाब से अगच्छत आया, तो श्याम है ग्रामम, ग्राम गांव को क्या कहते हैं, ग्राम, तो यहाँ पर अम आएगा, तो राम श्यामः ग्रामम अगच्छत, समझ में आई बात, आगे आते हैं, वह फल खाता है, या इसका सेंस देखो, वह फल को खाता है, तो किसको खा रहे हो, फल को, दैट मीन्स आपका फल को, मतलब फल क्या है आपका, फल में लगेगी आपकी द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक, तो रासः वह है तो शह फलम खादती, तो फलम इज अ द्वितीय विभक्ति, ऐसे आप अंडरलाइन या उसको कर सकते हैं, गोला, बगुला मछली पकड़ता है, या बगुला मछली को पकड़ता है, बगुला मछली पकड़ता है, बगुला मछली को पकड़ता है, दैट मीन्स मछली, मछली मीन्स मीन, आपका क्या होगा, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, तो बकह मीनम धरती,
बकाह मीनम धरती। तो इसी के साथ आपका जो पहला और एक जो बेसिक रूल जो होता है कर्ता ने कर्म को, ये वाली जो लाइन है मैंने आपको जो पढ़ाया है पिछले वीडियोस में, उसमें हमने पढ़ा ना कर्ता ने कर्म को कारण से, हाँ जी वो ही। तो यहाँ पर को, तो जहाँ पर भी हमें को आता है किसी भी वाक्य किसी भी शब्द के साथ को आता है तो हम वहाँ क्या लगाते हैं द्वितीय विभक्ति। बट यहाँ पर मेन बात क्या होती है, को तो गायब रहता है तो हम उस सेंस में काम करते हैं। तो पहला तरीका और पहला नियम तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नियम पे जो कि बहुत आईएमपी और बहुत ज़रूरी भी है। सो गाइस अब दूसरे चीज़ पे आते हैं और दूसरी चीज़ बहुत आईएमपी है, यहीं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाला है इस वीडियो में और आपको एग्ज़ाम में भी। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, दूसरी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी होती हैं द्विकर्मक धातु। क्या होती हैं? द्विक मतलब कि दो, द्वि मतलब दो, कर्मक मतलब दो कर्म वाली धातु। जहाँ पे दो कर्म वाली धातुएँ होती हैं इनको द्विकर्मक धातु कहा जाता है। ये टोटल आपकी 16 होती हैं, 16 होती हैं, कितनी होती हैं 16। तो 16 को रट लीजिए याद के लिए, रटनती रटनती रटनती, आप जब तक नहीं रट लेंगे आप कन्फ्यूज बने रहेंगे। 16 की 16 धातुएँ क्या हैं अभी हम आपको दिखा देते हैं। दूह मतलब धोना, जो दूध दोते हैं ना गाय भैंस से दूध दोना, याचमीस मांगना, भीख वगैरह मांग सकते हैं या कोई भी चीज़ मांग सकते हैं। पच मतलब पकाना, दंड मतलब दंड देना, रुद मतलब रोकना, ची मतलब चुनना, ब्रू मतलब कहना या फिर बोलना, प्रश्न मतलब पूछना, सास मतलब उपदेश देना, कई जगह इसको शासन करना भी कहते हैं, जी मतलब जीतना, मथ मतलब मथना, मथते हैं ना दूध जो दही मथते हैं वो, मुस मतलब चुराना, नी मतलब ले जाना, है मतलब हरण करना या चुराना अपहरण कर लेना, हरण किडनैपिंग, क्रश आपका जो होता है कृष, कृष का मतलब होता है खींचना खोदना जो खेती बाड़ी होती ना वो, और वह मतलब होता है ढोना या ले जाना। ये 16 की 16 जो द्विकर्मक धातुएं हैं इनमें आपकी हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। अब यहाँ पर कहेंगे सर ठीक है कर्म की बात हो ही रही है तो कर्म द्विकर्म द्विकर्मक हो तो कर्म में तो लगेगी, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे ये हो जाती है ना, यहाँ पर को नहीं है ना, कर्ता ने कर्म को पुस्तक को इसको, तो यहाँ पर आपको को एक ही बार मिलेगा, एक बार दो और यहाँ पर दो हैं कर्म लेकिन मिलेगा एक बार को, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती। तो हम इन 16 की 16 द्विकर्मक धातुओं को जल्दी से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसान भैंस से दूध निकालता है, तो अब जैसे हमारा को वाला माइंड, किसान भैंस से दूध को निकालता है, तो मेरे माइंड में क्या है किसान भैंस से दूध को निकालता है, तो मैं जो दूध को है ना मतलब दूध दुग्धम, मैं इसको दुग्धम को द्विकर्मक मतलब द्वितीय वो विभक्ति यहाँ पर लगा दूंगा, इसको मैं कर्म समझ लूंगा। और भैंस से अब मैं से वर्ड क्या समझूंगा, हाँ हाँ आप सही समझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही कर्ता ने कर्म को कारण से है ना, तो से आप तो या तो तृतीय विभक्ति समझ लोगे ना, समझोगे ना कि भाई ये कर्ता ने कर्म को कारण से या से के द्वारा, तो आप कहेंगे कि किसान है मैं प्रथम विभक्ति है, भैंस भैंस से तो कर्ता ने कर्म को कारण से तो मतलब तृतीय विभक्ति है, और दूध को तो इसमें द्वितीय विभक्ति है, और ये सोच के हम यहाँ पर लिख देंगे और यही गलती हो जाएगी। अब चूंकि हमें, अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, तो हम बता रहे हैं आपको, तो दूध दोहना मीन्स आप कभी भी ये नहीं कहते मैं भैंस से दूध को धो रहा हूँ, यहाँ पे भैंस से दूध निकालना, भैंस हो गाय हो बकरी हो जो भी जहाँ से भी दूध निकालना है, तो किसान भैंस से दूध को निकालता है या दूध निकालता है, तो यहाँ पर आपका दुग्धम आ गया, दुग्ध मतलब आपका दहना आ गया, दोहना आ गया, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप कि आपका वो द्विकर्मक धातु है, तो इसका मतलब भैंस से इसमें भी आपका द्वितीय विभक्ति लगेगा और दूध में भी आपका द्वितीय विभक्ति लगेगा, कन्फ्यूज नहीं होना है, नहीं तो तृतीय विभक्ति पर चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो कृषा कहा क्योंकि प्रथम विभक्ति है, भैंस मतलब महिषी तो महिषम दूध को, तो ये भी दुग्धम महिषी, तो इन दोनों में भैंस और इन दोनों में द्वितीय विभक्ति बिकॉज ऑफ द्विकर्मक धातु, तो महिषम दुग्धम दुग्धी, समझ गया पहली द्विकर्मक जो धातु का एग्जाम्पल। अब आते हैं नेक्स्ट पे, भिखारी हेमंत से भीख मांगता है, तो वही चीज़ हमारे हेमंत से मतलब तृतीय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भीख मांगना मांगना मीन्स कोई भी चीज़ मांगना इस याच क्या आपकी द्विकर्मक धातु है, तो इसका मतलब हेमंत से में भी आपका द्वितीय है और भीख में भी आपका द्वितीय है, हेमंत भिखारी हेमंत से भीख को मांगता है, तो आपको यहाँ पर वर्ड मान सकते हैं, बट से में तृतीय विभक्ति
नहीं है, क्योंकि ये मांगना, मांगना मीस याच, याच तो द्विकर्मक धातु है, द्विकर्मक धातु है तो हेमंत से मैं भी आपका द्वितीय विभक्ति आएगा। तो भिक्षुकः हेमंतम भिक्षाम याचति। ओपी गाइस आपके द्वितीय दूसरा एग्जाम्पल और दूसरी द्विकर्मक धातु का एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पच, पच मतलब होता है पकाना। माँ चावलों से भात पकाती है, तो माँ चावलों से भात को पकाती है, हमने पकड़ लिया भात को, मतलब भात को इस द्वितीय विभक्ति, लेकिन चावलों से इज नॉट अ तृतीय विभक्ति, क्योंकि पकाना मीन्स पच, पच मतलब द्विकर्मक धातु, द्विकर्मक धातु मतलब दोनों ही जो कर्म हो रहे हैं वो दोनों ही कर्म क्या होंगे आपके, वो दोनों ही कर्म हैं, मतलब दोनों ही कर्म हैं, इसका मतलब दोनों में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो माता, माँ को माता लिख सकते हैं, अम्बा लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहे, 10 नाम होते हैं आप लिख सकते हैं। चावलों से तो आपको जाएगा तंडुलान, भात को मतलब ओदनम, पकाना मिस होता है पच, तो पच ती, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरी द्विकर्मक है दंड, दंड दंड मतलब दंड देना। जज चोर को जेल की सजा देता है, तो चोर को, चोर को मतलब हम समझ गए कि द्वितीय विभक्ति, लेकिन जेल की, तो की में कहाँ जाएंगे, अधिकरण में जाएंगे, संबंध में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं भैया सजा दे रहे हैं, सजा देना या दंड देना एक ही बात है, सजा देना या दंड देना, देखो सजा देना या दंड देना एक ही बात है, तो इसका मतलब आपका ये द्विकर्मक धातु आ गई, तो चोर को और जेल की दोनों में क्या आएगा आपका द्वितीय विभक्ति आएगी। तो न्यायाधीशः चोर को चोरम और जेल की मतलब जेल को कारावास, तो कारावासम दंडति, समझ में आ गए, वेरी गुड। अगली है आपका, अगला मैंने चूंकि यहाँ पे पूछना है, तो छात्र प्रश्न, छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछना मीस प्रच, प्रच मीस पूछना, पूछना है द्वितीय विभक्ति द्विकर्मक धातु, द्विकर्मक धातु मीन्स छात्र शिक्षक से प्रश्न को, तो प्रश्न को तो द्वितीय है, साथ में शिक्षक से भी आपका क्या होगा द्वितीय ही होगा, तो मतलब छात्रः शिक्षकम प्रश्नम पृच्छति, शिक्षक से भी शिक्षकम आएगा, प्रश्न को भी प्रश्नम ही आएगा, इसका मतलब इन दोनों में ही आपका द्वितीय विभक्ति है बिकॉज ऑफ द्विकर्मक धातु। तो माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो रही कि यहाँ पर हमको सेंटेंस में हमें वर्ब भी देखना है, वर्ब मतलब क्रिया देखनी है, धातु देखनी है, धातु को ही देखना पड़ेगा, अगर द्विकर्मक धातु है तो समझ लीजिए ऑटोमेटिकली कि द्वितीय विभक्ति लगेगी। अगले में आते हैं, शिक्षक छात्र को कक्षा में रोकते हैं, रोकना मीस आपका होता है रुद्ध, रुद्ध मीस रोकना, रोकना आपकी द्विकर्मक धातु होती है, द्विकर्मक धातु मतलब, तो सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा शिक्षक छात्र को मीन्स छात्र भी आपका और शिक्षा में, कक्षा में छात्र और ये देखो शिक्षक तो आपका प्रथम हो गया यहाँ पर, तो छात्र को छात्रम, कक्षा मतलब कक्षाम, रोकना मतलब रूढ़ती, रूढ़ती। तो इसी के साथ आपका ये जो टोटल हमारी कितनी ये हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम आगे देखते हैं, माली वृक्ष से फूल चुनता है, चुनना मतलब क्या होता है ची, ची मतलब आपका होता है चुनना, मतलब द्विकर्मक धातु है, तो वृक्ष से और फूल को मीन्स इन दोनों में क्या आएगा आपका द्वितीय विभक्ति। तो मालाकारा वृक्षम, वृक्षम पुष्पम चिनोती, वृक्षम पुष्पम चिनोती, मालाकारा वृक्षम पुष्पम चिनोती। तो आपको बस ध्यान ही रखना, आपको यहाँ पर एक बार वर्ब पढ़ लेना, धातु देख लेना, धातु क्या है, अगर द्विकर्मक धातु है तो ऑटोमेटिकली क्लियर होगा दोनों में क्या लगेगा द्वितीय विभक्ति लगेगा। आचार्य शिष्य धर्म की बात कहते हैं, कहना, कहना मीन्स आपका देखिएगा ब्रू, ब्रू मीन्स क्या होता है कहना या बोलना, तो ये भी आपका द्विकर्मक धातु है। ती आचार्य शिष्यम धर्मम ब्रूते, आचार्य शिष्यम धर्मम ब्रूते मतलब शिष्य से धर्म की, तो इन दोनों में क्या होगा आपका द्वितीय विभक्ति, शिष्यम धर्मम ब्रूते। नेक्स्ट है आपका गुरु शिष्य को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं, उपदेश देना, उपदेश देना क्या होता है आपका शास होता है शास, तो इसका मतलब ये जो उपदेश देना है द्विकर्मक धातु है, तो क्या हो जाएगा गुरु है शिष्य को, तो शिष्यम सन्मार्गम शास्ति, तो यहाँ पर जो आपका है शिष्य और सन्मार्ग में क्या लगेगा द्वितीय विभक्ति लगेगी। राजा शत्रु से राज्य जीतता है, राजा शत्रु से राज्य जीतना, जी मतलब होता है जीतना, ये भी आपका द्विकर्मक धातु है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि ये आपका जो शत्रु और राज इन दोनों में क्या आएगा आपका
राजा शत्रु से राज्य को, मींस ये दोनों हम को तो समझ पा रहे हैं, लेकिन शत्रु से में भी क्या आएगा, द्वितीय विभक्ति आएगा। तो निरपह शत्रुम राज्यम जयति, ग्वालिन दूध से मक्खन मथती है, मथना, मथना भी आपका क्या होता है, द्विकर्मक धातु, तो दूध से मक्खन को, तो ये दोनों ही, तो गोपा दुग्धम नवनीतम, दुग्धम नवनीतम मथान मथनाती। चोर धनिक का धन चुराता है, चुराता या हरण करना एक ही बात है, चुराना, मुश, चुराना मीन्स क्या होता है, मुश है, तो चोरा चोरह धनिकम, तो धनिक का धन, धन धनिक का धन को, तो यहाँ पर धनिकम धनम, धनिकम धनम, मुशनाती। महेश तोते को गांव ले जाता है, ले जाना, ले जाना मीन्स होता है नी, तो आपका नी भी क्या है, आपकी धातु, द्विकर्मक धातु है, तो महेश है तो तोते को गांव, तो सुकाह सुकम ग्रामम, सुकम ग्रामम, महेश है सुकम ग्रामम नयति। चोर कंजूस का धन चुराता है, चुराना मीन्स हरण करना, चुराना या हरण करना एक ही बात है, हरण करना या चुराना, तो चोरा है कृपणम धनम हरती, चोरा कृपणम धनम हरती, तो इसमें आपका द्विकर्मक धातु। अब हमारी दो धातु बचती हैं, कृष है और बह, कृष मतलब होता है खींचना या खोदना, तो किसान खेत से अन्न निकालते हैं, निकालना खोदना एक ही बात है, तो कृषक है तो खेत से और अन्न, तो क्षेत्रम अन्नम, क्षेत्रम और अन्नम कर्षति, तो यहाँ पर भी आपका कृष आ जाता है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, आपका वो द्विकर्मक धातु द्वितीय भक्ति। वह मतलब ढोना, ले जाना, ढोना कोई चीज़, ढोना बाहर ढोना, तो गधा नगर से, गधा नगर में बाहर ढोता है, गधा नगर में भार ढोता है, तो गर्दभ नगरम, तो नगरम और भारम ये दोनों में क्या आएगा, आपका द्वितीय भक्ति आएगा, तो गर्दभ नगरम भारम बहती। तो इसी के साथ आपका जो दूसरा नियम था द्वितीय विभक्ति का, वो आपका क्या होता है, फिनिश होता है। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई द्वितीय विभक्ति, अभी तो आपका दो डाउट क्लियर हुए हैं, अब हम तीसरे डाउट पर आते हैं। हाँ, तो ये अब तक आपका उपपद विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, कर्मकारक या फिर उपपद विभक्ति, द्वितीय विभक्ति को उपपद विभक्ति भी कहा जाता है। तीसरा और सबसे ज़्यादा आईएमपी और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है पेपर में, तो समझ लीजिएगा उपपद विभक्ति क्या होती है। उपपद मतलब यहाँ पर कोई डायरेक्शन की बात हो रही है, किसी के संकेत की बात होती है, तो वहाँ पर उपपद विभक्ति होती है, तो वो दूसरी विभक्ति का प्रभाव निषेध कर देती, ख़त्म कर देती है और वहाँ पर अपना प्रभाव ला देती, उसको कहा जाता है उपपद विभक्ति। अब उपपद विभक्ति को पहचानने के तरीके, अगर आपको जैसे चारों ओर, इस ओर, उस ओर, इसके पास, उसके पास, उसके निकट, इसके समीप, जब इस तरह की बात हो रही हो तो वो आपका उपपद विभक्ति होता है। जैसे अभीतः चारों ओर, परीतः चारों ओर, समय पास या निकट, निक्षा निकट या पास, अव्यत दोनों ओर, सब ओर, धिक्कार की ओर पर या इस ओर, इस तरह की चीज़ों में आपका उपपद विभक्ति लगता है। तो समझ लीजिए, इनको बिल्कुल रट लीजिए, ये रटने की चीज़ है। अभीतः मतलब होता है चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर बाग है, तो विद्यालय के चारों ओर, जब वहाँ पे चारों ओर की बात हो गई है, तो जो विद्यालय होगा इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालयम अभीतः, विद्यालयम अभीतः उद्यानानि सन्ति, तो क्यों होगा इसमें विद्यालय के चारों, विद्यालय के क्यों, के होने के बावजूद भी, क्योंकि उपपद विभक्ति है चारों ओर, इसलिए यहाँ पर आपका विद्यालय में विद्यालयम हो गया। परीतम इस चारों ओर, देश के चारों ओर सैनिक हैं, तो देश के चारों ओर, तो यहाँ पर देश में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति। देशम परीते सैनिका संति, देशम परीते सैनिका संति। समय मतलब पास या निकट, गांव के पास तालाब है, गांव के पास, पास आ गया मीन्स ये आपका क्या होगा, उपपद विभक्ति। तो ग्रामम, तो गांव में क्या आ जाएगा, ग्रामम समय सरोवर, सरोवर है अस्ति। निक्षा मीन्स निकट या पास, भोपाल के निकट सियोर है, किसी चीज़ के कोई चीज़ निकट होना, तो भोपाल के निकट, तो भोपाल में क्या आएगा, उपपद विभक्ति हो गई है, तो ये द्वितीय विभक्ति आएगी, भोपालम निक्षा सियोर अस्ति, भोपालम निक्षा। तो यहाँ पर भी आप निक्षा देख लेंगे तो समझ लीजिए उपपद विभक्ति है। उभयत मतलब दोनों ओर, गंगा के दोनों ओर पेड़ है, गंगा के दोनों ओर पेड़ है, तो गंगा के दोनों ओर
मीन्स गंगा में क्या आ गया आपका उपपद विभक्ति, तो गंगम उभयतः वृक्षा संति, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति लग गया। सर्वतः, सर्वतः मतलब सब ओर, पहाड़ के सब ओर मोर है, सब ओर, तो पहाड़ के सब ओर मतलब पहाड़ जो होगा आपका उपपद विभक्ति वजह से द्वितीय विभक्ति लगे, तो पर्वतम, पर्वतम सर्वतः मयूरा संति, पर्वतम सर्वतः मयूरा संति। धिक मतलब धिक्कार होता है, कहते ना इस पे धिक्कार उस पे धिक्कार है, तो दुष्ट को धिक्कार है, तो यहाँ पर को धिक्कार में आपका हमेशा क्या आएगा उपपद विभक्ति द्वितीय विभक्ति, दुष्टम धिक अस्ति, दुष्टम धिक अस्ति। प्रति, प्रति के तीन मतलब होते को की ओर, की ओर या को ओर या की ओर या तो पर, जैसे अनाथ पर दया करो, अनाथ पर दया करो, तो अब यहाँ पर ऐसे समझ में, लेकिन संस्कृत में जब लिखा रहेगा तो हमें समझ में आएगा, अगर प्रति लिखा है पर का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है प्रति लिखा है, तो समझ लीजिए कि अनाथम, अनाथ में क्या रहेगा आपका उपपद विभक्ति जाएगी, तो अनाथम प्रति दया, दयाम करूँ। तो इसी के साथ आपका जो मेन चीज़ उपपद विभक्ति में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, चारों ओर पास समीप निकट दोनों ओर सब ओर इस ओर उस, जहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही हो, जहाँ पर कोई संकेत हो रहा वो आपका उपपद विभक्ति होता है। तो इसी के साथ आपका ये द्वितीय विभक्ति का जो तीसरा टाइप था, तीसरा नियम था, वो आपका क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, और भी ज़रूरी है जो द्विकर्मक धातु या उपपद विभक्ति या को के अलावा भी और भी आई हैं पीछे। हाँ तो गाइज अब हमारे पास आते हैं आखिरी रूल हैं ये, और रूल समझ लीजिए, इसी के साथ आपकी जो द्वितीय विभक्ति है कर्म, आपका कर्म कारक है वो फिनिश हो जाएगा। रूल ये है कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, संस्कृत में अंतर आता है, अंतर मीन्स बीच में आता है, तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे राम लक्ष्मण के बीच में सीता थी, के बीच में, बीच में मतलब अंतरा, इसको संस्कृत में अंतरा कहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी द्वितीय, तो राम और लक्ष्मण दोनों में ही कौन सी विभक्ति आएगी द्वितीय। जैसे रामम लक्ष्मणम चा, मतलब राम और लक्ष्मण है ना, राम और लक्ष्मण, यहाँ पर मैंने और नहीं लिखा, तो राम और लक्ष्मण के बीच में सीता थी, तो रामम लक्ष्मणम चा अंतरा सीता आसीत, तो यहाँ पर जब बीच में अंतरा की बात होगी तो यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति आएगी। दूसरा अंतरिण, अंतरिण का मतलब था के बिना, जैसे ज्ञान के बिना जीवन बेकार है, ज्ञान के बिना, तो किसके बिना जीवन बेकार है, ज्ञान के बिना, तो ज्ञानम अंतरिण जीवनम व्यर्थम अस्ति, तो ज्ञानम, ज्ञानम अंतरिण जीवनम व्यर्थम अस्ति, तो यहाँ पर के बिना, जैसे कि पानी बिना जग सूना है, तो इस तरह के बिना की बात हो रही है, तो आपका द्वितीय विभक्ति आएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अधि उपसर्ग, अगर मान लीजिए तीन धातुएं हैं ये, सी मीस सोना, स्था मीस खड़े रहना ठहरना बैठना, या आस मीस बैठना, ये तीन धातुओं में अगर अधि उपसर्ग है, अधि के आपका उपसर्ग है, तो वहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे वह पलंग पर सोता है, तो सा अधिशेते, अगर मैं इसको अधिशेते, अधि लग रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब आपको पलंग पर, यहाँ पर आपको कौन सा विभक्ति नहीं लगेगा, आपकी अधिकरण मैं पे पर नहीं लगेगा, मतलब कि जो आपकी अधिकरण विभक्ति वो नहीं लगेगी, यहाँ पर लगेगी आपकी द्वितीय विभक्ति पर्यकम, क्योंकि यहाँ पर अधिशेते, तो शी स्था और शी स्था और आस, ये विभक्ति अगर ये धातु आती है और उनका जो उपसर्ग है वो अधि है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपको लगाना है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति। जैसे शिक्षक कुर्सी पर बैठता है, बैठना, बैठना मतलब आपका स्था, तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया अधि, तो ये अध्यास्ते हो गया, बैठना मीन्स आस मीन्स क्या होता है बैठना, तो अध्यास्ते, अधि यहाँ पर उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पर कुर्सी जो, कुर्सी पर जो होगा वो आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। तो शिक्षक है आस निंदकाम अध्यास्ते, रुक्मणी स्वर्ग में रहती है, रहना मीन्स स्था, कहीं रहना होता है तो वो इसमें स्था वर्ड यूज़ करते हैं, तो रुक्मणी स्वर्गम अध्यास्ते, अध्यास्ते स्था वर्ड आ रहा है, अधि शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर स्वर्ग जो होगा मैं की जगह, आपका अधिकरण की जगह यहाँ पर द्वितीय विभक्ति स्वर्गम। समझ में आई बात, तो ये चीज़ बिल्कुल रट लो। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर अधि प्लस नी उपसर्ग लगाओ बिस धातु के साथ, किस धातु के साथ, बिस धातु के साथ, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ही हमें क्या लगाना है, हमें द्वितीय विभक्ति लगाना है। जैसे कृष्ण सन्मार्ग पर जाता है, तो कृष्ण सन्मार्गम अधि नी बिस्ते, तो बिस धातु में अधि और नी क्या लगा है आपका उपसर्ग लगा है, इसलिए यहाँ पर सन्मार्ग, यहाँ पर की जगह अधि जो सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पेपर है उसकी जगह क्या आएगा आपका द्वितीय विभक्ति आएगी, तो सन्मार्गम हो गया। अब इसके बाद और साथ में एक चीज, अगर बस धातु के साथ, जैसे कि ये जो है, जैसे ये बिस धातु थी, यहाँ पर अगर बस धातु के साथ उपसर्ग में उप
अनु अधि और आ आते हैं, उप अनु अधि और आ, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका द्वितीय विभक्ति आएगी। अब इसके बाद एक लास्ट है रक्ष, रक्ष मीन्स होता है रक्षा करना है किसी चीज़ को, किसी को बचाना, किसी की रक्षा करना, किसी को बचाना, किसी की रक्षा करना, तो यहाँ पर भी जब भी ये धातु आती तो आपको यूज़ करना द्वितीय विभक्ति। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक का देश की रक्षा करते तो देशम रक्षति, क्योंकि रक्षा धातु है इसलिए रक्षन्ति देशम आएगा। समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ आपका जो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति खत्म होती है। और गाइस इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, इसलिए इसका अपने दोस्तों के साथ जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जो आपको कभी भी द्वितीय विभक्ति में कभी कन्फ्यूज नहीं होने देगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम क्यों ना, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हाँ कॉमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।